कौन सी गई हाँ कौन सी गई कौन सा गया किस कौन पकड़ लाया चवन्नी अन्नी कौन तो कि हाँ ये लड़की आई थी या इस लड़की को दुखी करा जा रहा था क्योंकि ये अभी मैंने लाइट जलाई है क्योंकि मैं नहा के आया हूँ तो उठे हैं ये लोग कि भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरी बहन से सॉरी बोल दो, इतना तुम लोग क्यों मौते वाले दिन नाटक कर रहे हैं आप लोग, मथुरा वाली ने भी और कासगंज वाली ने भी, क्योंकि इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। इन लोग की आर्थिक स्थिति तो इतनी है। बहू को बुलाइए यहाँ से और उसको बोलिए कि दूसरे का घर बर्बाद ना करे जो वो कर रही है और उसके बच्चे कर रहे हैं। कासगंज वाली यहाँ पे ड्रामा कर रही थी, दरवाजे बंद करे थे इन लोगों ने और अब भी यही दो हेलो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दे। मेरा पति पता नहीं रात में चश्मा लगा के कहाँ जा रहा है। ये ब्लॉग एक्चुअली रात में स्टार्ट हो रहा है, आज पूरा दिन सिर्फ बारिश बारिश होती रही और ऐसा कुछ किया नहीं, सो गए थे हम लोग दोपहर में, तो रात में स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात याद आ गई तो वहीं से ब्लॉग स्टार्ट हो गया वो मतलब मैं और अजितेश ये बात कर रहे थे कि जैसे अजितेश की बुआ की जो वीडियो पड़ी है बुआ के बच्चों की, तो जो अजितेश की बुआ के जो मतलब हस्बैंड हैं इनके फूफा जी हैं, तो उन लोग को गुस्सा नहीं आ रही होगी वो वीडियो देख के? मन नहीं कर रहा होगा कि अपनी औरतों को यहाँ से खींच के लेके जाए कि तुम लोग को ज्यादा पड़ी है दूसरों के घरों में? और पीट मतलब अगर मैं अपने पिताजी का नेचर बताऊं, क्योंकि मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा कि वो अपने घर अपने मायके में जाके इंटरफेयर कर रही है लोगों की जिंदगियों में, और जो अजितेश का नेचर है, अगर मेरी चीजें कल को ठीक हो जाएंगी तो अजितेश भी बिल्कुल भी इस चीज में मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे कि मैं अपने घर में किसी भी मैटर में जाके इंटरफेयर करूं। और जिस लेवल का इनकी बुआ लोग गिरी हुई है, मतलब दो ही बुआ जो गिरी हुई है, उस लेवल का कोई भी नहीं गिर सकता। मथुरा और कासगंज वाली घंटी और लंबी नाम रख दिया है। ओके वेरी नाइस। कासगंज वाली लंबी है, मथुरा वाली घंटी है। हाँ। और कल कैसे आ रहे थे कैमरा लपकने, कैमरा पकड़ने, बदतमीज वो लंबी वाली कैसे आई? लंबी वाली उसको तो ऐसा लग रहा हाथ मार देगी ऐसे करके और उसके और तेरे उनके पीछे तेरे पापा थे, मतलब उस आदमी को शर्म नहीं आ रही कि अपनी वो दोनों साइलेंट थे, वो देख रहे थे कि कौन सी गई हाँ। कौन सी गई कौन सा गया किस कौन पकड़ लाया चवन्नी अन्नी कौन नहीं वो ये देख रहे थे फोन किसी के हाथ पे लगा या नहीं लगा। अरे सालों अगर तुम लोग हमारा फोन भी पकड़ लेते ना तो सारे एविडेंस हम इसलिए सोशल मीडिया पे डाल देते कि हमारे पास चीजें सेफ रहे। हाँ मैम कैसे कैसे भाग रही थी बताना, कैसे ऐसे कैसे 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 वीवो हाँ वो लोग कल जब चिल्ला रहे थे तो आपको डर लग रहा था? शेर बच्चा हो शेर बच्चा से सही से बोलो क्या हो, बता दो दोस्तों को बता दो क्या हो, डर लग रहा था कल जब वो लोग चिल्ला रहे थे तो? हैं शेर बच्चा हो हाय मेरा बेटा तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं थाने, वो इसलिए क्योंकि हमने तहरीर दी थी उसी रात जिस रात ये लोग बदतमीजी कर रहे थे, और तहरीर देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस तरह वो पुलिस को भी कुछ नहीं समझ रहे थे, मीन्स 112 को और चीता मोबाइल वालों को वो कुछ नहीं समझ रहे थे, तो फिर हमें थाने जाना पड़ा। और वहाँ पे उस समय क्या कहते हैं इंस्पेक्टर साहब नहीं थे, रात का समय था 11:30 बज रहे थे, तो अभी हम मिलने जा रहे हैं उनसे और जो भी हमारे पास वीडियो वगैरह है वो हम दिखाएंगे, क्योंकि कल को कोई बड़ा कांड हो जाएगा तो फिर 112 और चीता वाले तो मुझे लगता है कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह मेरा सो कॉल्ड ससुर उन लोगों के ऊपर चिल्लाता है, उन लोगों को दबाता है, चिल्ला के धाड़ता है, तो ऑब्वियसली बात है वो पुलिस कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इसलिए मैं इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आइए और देखिए क्या मामला है क्या नहीं। तो दोस्तों मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं थाने गई थी, लेकिन गोली कांड जो हमारे बरेली में हुआ है, इस समय बरेली प्रशासन वहाँ बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत ज़्यादा। तो अब भाई इतना बड़ा कांड था तो ऑब्वियसली बात है उन लोग का बिजी होना बनता है, तो इस चक्कर में किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पा रही है और
बाकी जैसे ही वो लोग फ्री होते हैं हम मुलाकात करके अपना भी मामला बताएंगे उनको, क्योंकि ये चीज़ें ना, मतलब मेरा जो मानना है कि ये चीज़ें नोटिस में होनी चाहिए अधिकारियों के, कि कल को कोई बड़ी वारदात हो जाए तो उनके माइंड में ये चीज़ हो कि हाँ ये लड़की आई थी या इस लड़की को दुखी करा जा रहा था। क्योंकि ये मतलब ऑब्वियसली बात है, जो मेरे इन लॉज हैं उनको शय मिल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो लोग यही सोच रहे हैं कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, जैसे वो लोग धाड़ते हैं। मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने कोई खाकी वर्दी वाले लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह वो चिल्ला रहे थे कंटिन्यूसली, ठीक है। और मतलब क्या बताऊँ अभी, मेरे फिलहाल तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। और विवान आपको नींद आ रही है? आ रही है नींद आपको? कब ज़्यादा गर्मी लगती है, आते ही अपने कपड़े उतार देते हो, हैं? चलो शो जाते हैं, अभी तो हम शोएंगे। चलो चलो चलो, आज इन दोनों का यही काम है, खाओ पियो लगो सो जाओ। अभी मैंने लाइट जलाई है क्योंकि मैं नहा के आया हूँ तो उठे हैं ये लोग, देख रहे हैं। और तुरंत खबर लेने पहुंच गई है फोन में कि क्या चल रहा है शहर में, कुछ हो रही है। अच्छा तो दोस्तों, गोलीकांड के चक्कर में जैसा कि साक्षी ने बताया आपको, इज्जत नगर थाने की पुलिस फोर्स SHO साहब, CO थर्ड मैडम बहुत बिजी चल रहे हैं, तो हम लोग अपने मामले में अपनी बात नहीं रख पाए हैं। क्यों? क्योंकि मुलाकात ही नहीं हुई है। वे एक आध दिन में फ्री हो जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि लगातार हम लोग थाने के तो चक्कर काट ही रहे। क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग कौन, मेरी बुआएं कतई घर से खाली हैं, मथुरा वाली और कासगंज वाली, इन लोग को अब इनके ससुराल में क्या मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं उनसे मतलब नहीं होगा। इन्हें इस घर में, दूसरे के घर में लड़ाई झगड़े करने से मतलब है। तो दोस्तों, ये लोग चले जाएंगे यहाँ से तो फिर शाजी से रची नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा जो करते हैं वो साइलेंटली करते हैं हमारे खिलाफ़, ऐसे नहीं कि रस्ते चलते हमें गाली बक रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, है ना भाई? वो ऐसे नहीं करते ना कि रस्ते चलते हैं, ये सब नहीं करते हैं। वो तो पीछे से करते हैं कि कैसी करके मुकदमा लिख जा, कैसी करके कुछ नुकसान हो जाए इन लोग का, लेकिन ये ऐसे नहीं करते हैं गाली पकड़ी करना। तो ये लोग चले जाएंगे, जो गाली पकड़ी कर रहे हैं बालक छोटे छोटे और उनकी माएँ, वो लेकिन उन्हें शय तो तुम्हारे पापा ही दे रहे हैं। हाँ, शय वो दे रहे हैं, ये बात सही है। ओवरऑल यही है कि एक सेकंड होल्ड करना गाइस, खुल गया गेट। ओवरऑल यही है कि ये जैसे कि वीडियो में मैंने बताया था कि लंबी घंटी बुआ है दोनों, तो लंबी की लंबी वाली लड़की हमारी वीडियोस बना रही है, हमारे चलते फिरते हम आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये लोग चले जाएंगे तो भाई घर में शांति हो जाएगी, क्योंकि पिताजी पीछे से कार्रवाई करने में लग रहेंगे और सामने से कोई कुछ करेगा नहीं तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी, हम भी शांति से रहेंगे और पिताजी भी शांति से रहेंगे। तो मेन जड़ आप लोग समझ रहे होंगे कि ये बुआएं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घरों में बुआएं ही बवाल का कारण बनती हैं, तो यहाँ पे भी सिर्फ दो ही हैं, ये मथुरा और कासगंज वाली। मथुरा वाली पहले इतना एक्टिव नहीं थी, अब कुछ चंद रुपए पैसे के लालच में मथुरा वाली भी एक्टिव हो गई। और गाइस मैं बताऊं, इन सब ने कर्जा खा रखा है पड़ोसन से, जो हमारी पड़ोसन है जिससे हमारा विवाद चलता है उससे, तो इसलिए इन लोग को इसकी गुलामी करनी पड़ती है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, मथुरा वाली ने भी और कासगंज वाली ने भी, क्योंकि इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए, इन लोग की आर्थिक स्थिति तो इतनी मजबूत है नहीं, है ना, इसी वजह से यही रीज़न है। तो इसको इन लोगों को पड़ोसन की गुलामी करनी पड़ती है और साथ साथ उनके बच्चों को भी, तो ये बहुत दुख की बात है। और मथुरा वाली जो है घंटी वाली, उनके जो बच्चे तेजी दिखा रहे हैं चारों के चारों यहाँ पे हम लोग के साथ, अगर यही तेजी वो अपने गांव में अपने पिताजी के साथ दिखा दें तो उनका घर सुखी हो जाएगा। मतलब जो उनके फादर कहीं बाहर ही रहते हैं, समझ रहे हो, 365 दिन में वो सिर्फ यहाँ पे 5 दिन रहते होंगे इनके पास, बाकी 360 दिन वो अलग शहरों में रहते हैं, बाकी सबको उनकी, मतलब हमारे घर में सबको उनकी रियलिटी पता है कि वो क्या है क्या नहीं है। हालांकि हमसे तो वो सही सही बात करते हैं,
है ना, तो हमारी कभी उनसे कोई वाद विवाद नहीं हुआ। लेकिन ये बच्चे जो तेजी हमारे मामले में दिखा रहे हैं, ये हम तेजी अगर अपने पिताजी को दिखाएं तो उनके घर में सुख शांति आ जाए, है ना। मुझे पता है तुम लोग वीडियो देखोगे तो मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो हमारी टूंडला वाली बुआ जी हैं, वो जो मेरी बहन रोकित बता रहे थे हम लोग पहले वाले ब्लॉग में, मेरा भाई कृष्णा नाराज़ होकर गया था, मेरी बहन थी वो भी मतलब रो के गई थी, तो उसको मेरे बड़े भाई ने कुछ बोल दिया था, तो इन लोगों ने तब इतनी यूनिटी नहीं दिखाई। वो घर के बाहर खड़े होकर नाराज़ हो रहा था इन लोगों पे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरी बहन से सॉरी बोल दो, इतना तुम लोग क्यों मौते वाले दिन नाटक कर रहे थे। पर किसी ने उसको सॉरी नहीं बोला और किसी ने यूनिटी नहीं दिखाई, ना मथुरा वाले के बच्चों ने, ना क्या बोलते हैं कासगंज वाली के बच्चों ने। हाँ, लेकिन हमारे मामले में सबके सब दरवाजे पे कैसे झगड़ने आ गए थे, फ़ोन छीन रहे थे, वो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो भाई मेरा कहना यही है, मैसेज आइए मथुरा वाली और कासगंज वाली को, लंबी और घंटी बुआओ तुम लोग यहाँ से चली जाओ या अपने बच्चों को लेकर के, तो यहाँ वैसे ही शांति हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं पिताजी को दुख होगा ही कि भाई उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो भी एक्सपायर हो गई है। तो तुम लोग अपनी ये फौज लेकर के यहाँ से निकलो, घर में खुद ही पर खुद शांति हो जाएगी। तुम लोग रोज़ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहोगे, चौराहे नुक्कड़ों पे परवसन से मीटिंग करते रहोगे, फिर कल जैसी डेरा डाल ही लिया था तुम लोगों ने घर के बाहर ही। तो मोहता नहीं हुआ था तो नायक कह रहा था ना पुलिस वालों से, मेरे यहाँ कमी हो गई है, आप लोग प्लीज चले जाओ। और बाहर उसकी बहन है, उसके बच्चे चौराहे पे बैठ के ठट्टे मार रहे थे, तो मौता नहीं था इनके घर में। अजीब इंसान है ये आदमी से। खैर, जो कर रहे हैं ये लोग अच्छा कर रहे हैं। तुम लोग को अगर ये लग रहा है कि लंबी और घंटी दोनों सुन लो, तुम लोग को अगर ये लग रहा है कि हमारे समाज के लोग नहीं देखते हैं वीडियोस, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारे फ़ोन छीनते हुए जो हरकत थी वो और लोगों ने देखी और हमसे फ़ोन करके पूछा कि भाई ये अन्नी और ये ता हीरोइन क्यों बन रही है, हाँ, कि ये हाथ चला रही है उसकी बेटी कासगंज वाली की। लोग कह रहे हैं तुमने इसके थप्पड़ क्यों नहीं मारा पलट के। मैंने कहा अरे इनकी इनकी लंबी का गिन नहीं सकते ना, लंबी की लंबी वाली लड़की हाथ चला रही है अपनी घर में दिखा रही है। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि अगर सिक्योरिटी ना रहे हमारे साथ, हमारा कैमरा ऑन ना रहे, तो ये लोग क्या करेंगे। कैमरे के सामने ये लोग ऐसे हाथ झटक रहे हैं, धक्के मुक्की कर रहे हैं, फोन छीनना चाह रहे हैं, तो सोचो सिक्योरिटी नहीं रहेगी और हम लोग अकेले रह जाएंगे, तो ये लोग तो छत पे आके हमें मारेंगे। हाँ, ये सत्य है ना। तो भाई जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं हमारे समाज के लोग, और जो लोग इन्हें मथुरा और कासगंज वाली को जानते हैं, इनके आदमियों को जो जानते हैं, और कासगंज वाली का तो आदमी मतलब बिल्कुल ही धन्य है कसम से। अगर मेरी बीवी ऐसे कहीं किसी घर में झगड़े कर रही होती है, उसकी वीडियो बन जाती, मैं तो मारते हुए ले जाता उसे कि चल भाई चल घर चल वापसी, यहाँ क्या दूसरे का घर बर्बाद कर रही है ना। ससुराल में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, सहावर में, सहावर में सब, तो कम से कम उसको बुलाओ, उसको समझाओ कि दूसरे का घर क्यों बर्बाद कर रही है। वहां तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा कि मैंने देखा है, मैं मिली भी हूँ एक आज से। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी घर की बहू को बुलाइए यहाँ से, और उसको बोलिए कि दूसरे का घर बर्बाद ना करे जो वो कर रही है और उसके बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये वीडियो भेज देना मथुरा कासगंज सावर जैसे शहरों में, ये वीडियो जरूर चलनी चाहिए क्योंकि ये लोग वहीं के हैं। और इन लोग को हमारे वीडियो बनाने से ही दिक्कत है सबसे ज्यादा, कि हम वीडियो बनाते इनकी बदनामी होती है। अब सालों बदनामी तो तुम्हारी तब हो रही है ना जब तुम लोग हरकत कर रहे हो, वीडियो में हरकत करते हुए रिकॉर्ड हो जा रहे हो। और भी तो बुआएं हैं भैया, हमारी दिल्ली वाली हैं देन, और जो बुआएं हमारी चार बची, छह बुआएं हैं, समझ रहे हो, तो दो ही के बच्चे, और तुम ही लोग तो हरकत कर रहे हो विवान के लिए। विवान के लिए जब दरवाजा बंद करा था तब यही दोनों राजनीति कर रही थी, मथुरा और कासगंज वाली यहाँ पे ड्रामा कर रही थी, दरवाजे बंद करे थे इन लोगों ने, और अब भी यही दोनों डटी हुई हैं यहाँ पे घर बर्बाद करने में। तो थोड़ी बहुत शर्म हो तुम दोनों में, मथुरा वाली और कासगंज वाली, वीडियो देखो तो यहाँ से निकल लो अपना बोरिया बिस्तर लेकर के। ये मैं तुम्हें कोई वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई मेरा घर बिल्कुल ही बर्बाद मत करो, तुम लोग यहाँ ना रहोगे, ना यहाँ गाली गलौज होगी, ना झगड़े होंगे। उनके पीछे पड़े रहते थे, हमारे तो चलो रिश्ते ठीक नहीं थे, इनके तो रिश्ते ठीक थे उससे, तब भी ये लोग उस औरत के पीछे पड़े रहते थे। चलिए ठीक है गाइस।